हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वृतिका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट से कुछ जनरल करेक्टर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की फटाफट से अपने ब्रायोफाइट से करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि हमारा जनरल करेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो जनरल करेक्टर्स आर, फर्स्ट है हमारा पॉइंट कि प्लांट अकर इन डैम्प एंड शेडेड एरियाज। डैम्प का मतलब होता है नम और शेडेड का मतलब होता है छायांकित। ठीक है, तो प्लांट अकर इन डैम्प एंड शेडेड एरियाज का मतलब ये जो प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो नम और जो छाया वाली जगह होती है, मतलब उन एरियाज पे ये ग्रो करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, दैट इज प्रोस्टेट और इरेक्ट। मतलब जो हमारे प्लांट की जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। थैलस का मतलब होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स पे हम डिफरेंशिएट ना कर पाए, दैट इज प्रोस्टेट और इरेक्ट। मतलब होता है किसी भी चीज से कमी हो जाना, मतलब दे लैक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इनका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है उसके पास, इनके पास उसकी कमी होती है। एंड हैव अ रूट लाइक, मतलब रूट की तरह दिखने वाला, रूट की तरह और स्टेम की तरह और लीफ की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट प्लांट लैक द वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम। मतलब इनके जो प्लांट होते हैं, इनके जो वो उनके पास वैस्कुलर सिस्टम की कमी होती है, विद इन द ब्रैकेट जाइलम ऑफ फ्लोएम दिया हुआ है। फिर हमारा पॉइंट है, ब्रायोफाइट शोड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट विद सेक्स ऑर्गन्स। मतलब ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो जनरेशन की जो अल्टरनेशन होता है उसको शो करते हैं, किसके किसके बीच में, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट विद सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड एग, एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट विच कंटेन्स स्पोर्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र और यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज पर आश्रित होना। फिर पॉइंट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड। मतलब डोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख या मेन पार्ट। ठीक है, जो प्लांट बॉडी का जो मेन पार्ट होता है वो हमारा होता है गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड, जो कि हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, द थैलॉइड गैमेटोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स, एक्सिस एंड लीव्स। मतलब जो हमारा थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है वो किसमें डिवाइड होता है, डिफरेंशिएटेड मतलब वही डिफाइन होता है, किसमें डिफरेंशिएटेड होता है, वो राइजोइड्स होती है, एक्सिस होती है, लीव्स होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, द गैमेटोफाइट बियर्स मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड इज फोटोसिंथेटिक। बियर्स का मतलब होता है सहन करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स को सहन करते हैं, मतलब बियर्स करते हैं, और जो एंड इज फोटोसिंथेटिक, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब होता है हिंदी का संश्लेषण करना। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द आर्थेरिडियम प्रोड्यूसेस एंथेरोजॉइट्स व्हिच आर बायफैसिलेटेड। मतलब एंथेरिडियम जो हमारे होते हैं वो एंथेरोजॉइट्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायफैसिलेटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि द शेप ऑफ एन आर्किगोनियम इज लाइक अ फ्लास्क एंड प्रोड्यूसेस वन एग। मतलब जो आर्किगोनियम का जो शेप होता है वो फ्लास्क की तरह होता है। फ्लास्क मतलब बॉटल या कुप्पी का जो शेप नहीं आता है उसके शेप का होता है, एंड प्रोड्यूसेस वन एग, मतलब एक एग को प्रोड्यूस करता है। फिर आता है पॉइंट हमारा, द एंथेरोजॉइट्स फ्यूज विद एग टू फॉर्म अ जायगोट। जो एंथेरोजॉइट होता है वो किसके साथ फ्यूज होता है, एग के साथ फ्यूज होता है, किसको फॉर्म करने के लिए, जायगोट फॉर्म करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द जायगोट डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। मतलब जो जायगोट हमारा होता है मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। मतलब जो हमारे स्पोरोफाइट होते हैं वो सेमी पैरासिटिक होते हैं। सेमी पैरासिटिक का मतलब होता है सेमी मतलब अर्ध, पैरासिटिक मतलब परजीवी, मतलब जो आधा किसी पे डिपेंड हो, पूरी तरह से ना डिपेंड हो, एंडिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन, और वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि द सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस। जो सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट के वो मियोसिस के अंडरगो जाते हैं टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड गैमेट्स जो होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए विच फॉर्म अ गैमेटोफाइट, जो कि गैमेटोफाइट बनाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि द जुवेनाइल गैमेटोफाइट इज नोन एज प्रोटोनेम। मतलब जो हमारे जो जुवेनाइल का क्या मतलब होता है, किशोर या एडल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, युवा जिसको हम बोलते हैं। जुवेनाइल गैमेटोफाइट मतलब जो हमारे किशोर गैमेटोफाइट होते हैं इज नोन एज प्रोटोनेमा, मतलब उसको हम प्रोटोनेमा भी बोलते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। जो हमारे स्पोरोफाइट होते हैं वो फूड, सीटा, कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होते हैं।
So thanks for watching this video. So if you like this video, so please do like, share, subscribe my channel.